हाय स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु। आज ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। आज ज्योग्राफी के अंदर एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर कैसे समझेंगे? सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि हम अगर ग्लोब पे हैं, हम लोग अगर अर्थ पे हैं, तो अर्थ को सारी ही तरफ से घिरा हुआ गैसेस का पूरी तरफ से सारी तरफ से गैसेस से घिरा हुआ है अर्थ। तो हम कह रहे हैं अर्थ अगर सभी तरह से गैसेस से घिरी हुई है, वो गैसेस हम एटमॉस्फेयर कह के बुला रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है? एटमॉस्फेयर का मतलब हम कह रहे हैं बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, हम उन्हें कह रहे हैं एटमॉस्फेयर, जो अर्थ को घेरे हुए हैं। अगर क्वेश्चन ये आए कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं, तो सबसे पहले नाइट्रोजन, जो कि बहुत ज्यादा होती है। नाइट्रोजन लगभग 78% है, 78% नाइट्रोजन होता है बच्चों। ऑक्सीजन 21%, ऑक्सीजन 21%। और अगर तीसरी गैस की बात करें, यहां बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कहते हैं मैम कार्बन डाइऑक्साइड होगा लगभग 1%, जबकि गलत है ये बच्चों। तीसरी गैस जो ज्यादा है वो आर्गन है, आर्गन 0.93% होता है, 0.93% है, तो पॉइंट के बाद 9 आ रहा है, तो हम इसको लगभग 1 कह सकते हैं। आर्गन 1% है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। जो भी बचा वो अदर गैसेस है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, जिसे हम 1% कह रहे हैं। तीसरी बड़ी गैस हम कह रहे थे आर्गन है। उसके बाद बच्चों हम बात कर रहे हैं अदर गैसेस की और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कहते हैं 0.03%, और जो बचा बाकी अदर गैसेस में आता है। इसके लिए एक पिक्चर देखिए, आपके पास इस पिक्चर के अंदर क्लियरली दिखा रहा है कि 78% नाइट्रोजन है, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन सिर्फ 21% है, 0.93% आर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रेस्ट अदर गैसेस। अब अगर आपको याद आए, जब आपने एटमॉस्फेयर की बात करना शुरू किया तो हम देख रहे हैं कि हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हुए लेयर्स की बात सुनते आते हैं। अगर आपने बच्चों एटमॉस्फेयर पढ़ा है तो एटमॉस्फेयर में लेयर्स तो पक्का बात करेंगे ही करेंगे। तो अब जरा पिक्चर देखिए और पता लगाइए कौन सी लेयर सबसे पहले आती है। सबसे पहले बच्चों ट्रोपोस्फेयर आएगा, जिसे हिंदी में शोभ मंडल कहा जाएगा। सबसे पहली लेयर कौन सी आएगी बच्चों? ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्राटोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर के ऊपर मीसोस्फेयर, मीसोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर, और बाद में एक्सोस्फेयर। दोबारा सुनिए, मैंने कहा बच्चों ट्रोपोस्फेयर शोभ मंडल, स्ट्राटोस्फेयर समताप मंडल, मीसोस्फेयर मध्य मंडल। मीसो का मतलब ही मिडल है ना बच्चों, तो मीसोस्फेयर मध्य मंडल, जो बीच में आएगा। तो दो लेयर्स नीचे हैं, ट्रोपो और स्ट्राटो, ट्रोपो स्ट्राटो, और बीच में मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर के ऊपर क्या था? थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। बीच वाली मीसोस्फेयर है, बीच वाली क्या है बच्चों? मीसोस्फेयर है, ये याद रखना पड़ेगा। ट्रोपोस्फेयर शोभ मंडल, स्ट्राटोस्फेयर समताप मंडल, बीच वाला मीसोस्फेयर, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर। एक्स का मतलब बाहर होता है, तो एक्सोस्फेयर बिल्कुल बाहर वाली लेयर है। एक बारी ये पढ़ते हैं कि इन लेयर्स में क्या क्या होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। बारिश किस लेयर की वजह से, किस लेयर में होता है ये सब कुछ? कि अगर मैं कहूं ओले पड़ रहे हैं, अगर मैं कहूं फॉग है, अगर मैं कहूं क्लाइमेट चेंज है, तो ये किस लेयर में हो रहा है? ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब बात कर रहे हैं बच्चों वही जो मैंने कहा था, सबसे पहली लेयर जो आती है वो ट्रोपोस्फेयर है, शोभ मंडल है। ऐसा कहा जाता है लगभग 7-8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक वेरी करता है, ऊपर जाती है। हम कह रहे हैं बच्चों कि अगर हम बात करें कि कितनी ऊपर तक ट्रोपोस्फेयर है,
तो हम कह रहे हैं 7-8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक, 7-8 7-8 किलोमीटर अप टू 16 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है। कहता है लेयर नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस, बोर्ड पे पढ़िए आपके सामने आ रहा है बच्चों, लेयर नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस थिकनेस, वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि लगभग 7-8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक जाता है, ये हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर की। बच्चों सारे के सारे क्लाइमेट चेंजेस, वेदर फिनोमेना जिसे हम कहते हैं, वो किस में होता है? वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। याद रखिए ट्रोपोस्फेयर के अंदर वेदर फिनोमेना क्लाइमेट चेंज होता है। हम कह रहे हैं डेंसेस्ट ऑफ ऑल एंड कंटेन्स वाटर वेपर्स, वही बात जो मैंने आपको कही थी कि वाटर वेपर्स की बात करें, मॉइस्चर की बात करें, डस्ट की बात करें, वाटर वेपर्स की बात करें, मॉइस्चर की बात करें, बच्चों डस्ट की बात करें, तो हम बात कर रहे होंगे ट्रोपोस्फेयर की। तो वाटर वेपर्स जल वाष्प, मॉइस्चर है, आर्द्रता है और डस्ट है, ये किन में पाई जाती है? ये पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर में, वाटर वेपर्स डस्ट एंड मॉइस्चर। डस्ट पार्टिकल्स कहां पे मिलते हैं? डस्ट पार्टिकल्स भी बच्चों किस लेयर में पाए जाते हैं? डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर। वही बात आगे बढ़ा रहे हैं कि वाटर वेपर्स डस्ट पार्टिकल्स इन सब से, कह रहा है एक बार जरा सेंटेंस पढ़िए, कहता है डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस लेयर होल्ड द वाटर वेपर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द अकरेंस ऑफ ट्वाइलाइट एंड द रेड कलर्स ऑफ सनलाइट एंड सनलाइट एंड सनसेट। इस लेयर की वजह से जब सनलाइट आती है, सनसेट होता है, उस समय आपको ट्वाइलाइट दिखती है। ट्वाइलाइट इसी लेयर की वजह से है। ट्वाइलाइट का मतलब होता है बच्चों जो माइल्ड सी, सॉफ्ट सी लाइट दिखाई देती है स्काई में, जब सनराइज हो रहा होता है या सनसेट हो रहा होता है, तो वो कह रहा है वो माइल्ड सी, सॉफ्ट सी जो लाइट है वो इस लेयर की वजह से दिखाई देती है। याद रखिएगा ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं कि जो मैंने आपको बताया कि अगर रेनफॉल हो रहा है, वाटर वेपर्स हैं, अगर ओले पड़ेंगे, हेलस्टॉर्म होगा, तो ये सब कुछ ट्वाइलाइट होगा, ये सब किस लेयर की वजह से है? डस्ट पार्टिकल्स मेनली किस में पाए जाते हैं? तो ये लेयर है सबसे नीचे वाली ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे थे, शोभ मंडल की बात कर रहे थे, जो अर्थ के जरा सी ऊपर सबसे पहली लेयर जो हमारे ऊपर आती है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में एक ट्रोपोपॉज आएगा, पॉज का मतलब ही रुकना होता है, इसका मतलब ही यही है कि ट्रोपोपॉज पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाएगी। उसके ऊपर क्या था बच्चों? स्ट्राटोस्फेयर। रिवाइज करते हैं एक बारी, मैंने बताया था कि 7-8 से लगभग 16 किलोमीटर तक क्या होगी ये थिकनेस है, यहां तक होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे निचली लेयर है जो अर्थ के एकदम ऊपर है, वो ट्रोपोस्फेयर है। सारे के सारे वेदर फिनोमेना, क्लाइमेट चेंज जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर की वजह से होता है। ओले पड़े, बारिश आई, ये सब हो रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में। हम बात कर रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स ट्रोपोस्फेयर में, हमने बात की बच्चों वाटर वेपर्स की तो ये भी ट्रोपोस्फेयर में, हमने बात करी ट्वाइलाइट तो वो भी ट्रोपोस्फेयर में, थर्मोपॉज ट्रोपोपॉज आएगा, ट्रोपोपॉज आएगा और ट्रोपोपॉज पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाएगी। अब बात करेंगे स्ट्राटोस्फेयर की, पर पहले पिक्चर देखिए बच्चों। पिक्चर देखने से आपको याद हो जाएगा कि ट्रोपोस्फेयर है, देखिए ट्रोपोपॉज पे एक लाइन आ रही है आपके सामने और आपको पता चल जाएगा वहां पर ट्रोपोस्फेयर खत्म, फिर स्ट्राटोस्फेयर आएगा, फिर स्ट्राटोपॉज आ जाएगा, फिर मीसोस्फेयर आएगा, मीसोपॉज आ जाएगा, थर्मोस्फेयर आएगा, थर्मोपॉज आ जाएगा, और फिर बाद में बाहर पूरा आउटर स्पेस एक्सोस्फेयर। थोड़ा सा पिक्चर देख के दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए, वही चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ इस पिक्चर के थ्रू आपको दिखा रही हूँ। ध्यान से देखिए क्या रहा है आपके सामने पिक्चर में, ये सारी की सारी चीजें आपको पिक्चर के थ्रू बेटर क्लैरिटी देंगे। अब स्ट्राटोस्फेयर की बात करते हैं, 16 किलोमीटर तक, 16 किलोमीटर तक बच्चों ट्रोपोस्फेयर थी, अब ऊपर स्ट्राटोस्फेयर आएगी, तो स्ट्राटोस्फेयर की बात करते हैं 16 से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक। आपको मैंने पिक्चर में दिखाया था बच्चों 16 से लगभग 50 किलोमीटर तक स्ट्राटोस्फेयर होगी। अब कहता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, हाइट बढ़ती जाती है, टेम्परेचर कम होता जाता है,
टेम्परेचर सीजेस टू फॉल, टेम्परेचर कम होता जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर की, बट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वाली। क्वेश्चन पेपर में कितनी बार पूछा गया है कि एयरप्लेन्स कहां उड़ाए जाते हैं, जेट्स की बात कर रहे हैं, कहां उड़ाए जाते हैं एयरप्लेन्स, तो याद रखिए एयरप्लेन्स स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ये फेवरेट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चों, एयरप्लेन्स स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाए जाते हैं। एयरप्लेन्स कहां उड़ाए जाते हैं बच्चों, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो याद रखिएगा एयरप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन लेयर, ओजोन गैसेस कहां मिलती हैं, ओजोन भी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन क्या काम करती है। अगर सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, अगर सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, वो स्किन को खराब कर देंगी, कैंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेज को। देखिए अगर अल्ट्रा वायलेट रेज ओजोन से छनकर ना आए, अगर ओजोन से छनकर ना आए तो सीधा आने से हमारे पर सब मर जाएंगे, प्लैनेट बैरन रॉक बन जाएगा। तो ओजोन हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं बच्चों, ओजोन लेयर कहां मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर वही जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। तो याद रखने वाली बात कि 16 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल है, प्लेन्स स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाए जाते हैं। और ओजोन कहां पाई जाती है, ओजोन लेयर ये पाई जाती है बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ये जो तीनों बातें मैंने आपको बताई कि 16 टू 50 ओजोन और एयरप्लेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बच्चों थर्मोस्फेयर की और मीसोस्फेयर की बात करने वाले हैं। सीक्वेंसेस चल रहे थे, पहले ट्रोपोस्फेयर पढ़ा, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा, मीसोस्फेयर। आप हाइट याद रखिए कि 80 किलोमीटर तक मीसोस्फेयर होता है, मीसोस्फेयर को हिंदी में मध्यमंडल कहते हैं। मीसोस्फेयर के बाद बच्चों थर्मोस्फेयर पढ़ने वाले हैं। थर्मोस्फेयर के बारे में कैसे याद करेंगे, सबसे पहली बात याद रखिए कि थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है आयनोस्फेयर, आयन मंडल। थर्मोस्फेयर के अंदर हम बात कर रहे हैं आयनोस्फेयर की, आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। तो अगर कोई कहे आयनोस्फेयर नाम, तो हम याद करेंगे कि आयनोस्फेयर में आयन्स होते हैं, आयनोस्फेयर में आयन्स होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, आयनोस्फेयर में आयन्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो रिफ्लेक्ट होते हैं और रेडियो वेव्स को बैक टू अर्थ रिफ्लेक्ट करते हैं बच्चों। इससे रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। जो रेडियो कम्युनिकेशन है, हमने कहा बच्चों रेडियो वेव्स हैं, आयनोस्फेयर में चार्ज पार्टिकल्स हैं, रेडियो वेव्स इस लेयर को टच करती हैं, वापस आती हैं, इससे रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। अच्छे से याद रखिएगा इस बात को, अगर कोई पूछेगा कि रेडियो कम्युनिकेशन किस लेयर की वजह से होता है, तो आप बोलेंगे आयनोस्फेयर और इट्स अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। अगर आपको को मैंने एक बार दोबारा याद करा देती हूं बच्चों, थर्मोस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, थर्मोस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, हम थर्मोस्फेयर कह रहे हैं कि थर्मोस्फेयर का पार्ट है आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर में आयन्स होते हैं, आयन्स चार्ज पार्टिकल्स, जिससे रेडियो वेव्स हमने भेजी और वो वापस आई बैक टू अर्थ, जिससे रेडियो वेव्स से रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है। ये हमने बात करी थर्मोस्फेयर के बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी बच्चों कि रेडियो कम्युनिकेशन थर्मोस्फेयर मतलब आयनोस्फेयर जिसका पार्ट है, उसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। अब बात कर रहे हैं एक्सोस्फेयर की, एक्स का मतलब बाहर है, आउटर एरिया, आउटर स्पेस, जिसे हम हिंदी में बहिर्मंडल कहते हैं। एक्सोस्फेयर की जब हम बात करते हैं बच्चों, हम कह रहे हैं बहुत मतलब थिन एयर है, बहुत ही ज्यादा थिन एयर है। हम कह रहे हैं अर्थ की ग्रेविटी बहुत वीक होती है एक्सोस्फेयर के अंदर, और अपर लिमिट हम बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। हम कह रहे हैं कहां तक है वो बताना थोड़ा मुश्किल है, काफी बुक्स लिखती हैं लेकिन बच्चों वो सर्टेन नहीं है। एक्सोस्फेयर सबसे बाहरी लेयर है, ये आपको याद रखना है, जिसमें
काफी सारी बुक्स लिखती हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस मिलती हैं। अगर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की बुक भी यही लिखती है कि एक्सोस्फेयर में जो गैसेस मिलती हैं बच्चों वो हाइड्रोजन और हीलियम है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन और हीलियम फ्लोट करती हैं स्पेस के अंदर। कहां से? ये हम बात कर रहे हैं एक्सोस्फेयर से। एक्सोस्फेयर से हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस फ्लोट करती हैं, ये बात हम कर रहे थे एक्सोस्फेयर की। आपको याद रखना है अर्थ की ग्रेविटी बहुत कमजोर हो जाती है, अपर लिमिट सर्टेन नहीं है, और ये लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। एक बार रिवाइज करते हैं फिर रैप अप करेंगे। हम कह रहे थे बच्चों सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस, तो हमने पढ़ा था नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद 0.93% लगभग 1% के आसपास आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी अदर गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर पूछे कोई आपसे कि एटमॉस्फेयर क्या है, तो ये लेयर्स ऑफ गैसेस है अराउंड द अर्थ, अर्थ के आसपास गैसेस हैं, अर्थ के आसपास बच्चों गैसेस हैं, वो गैसेस का जो घेरा है, वो गैसेस का जो घेरा है हम उन्हें एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। लेयर्स की बात करते हैं तो थर्मोस्फेयर सबसे पहली लेयर आती है जो 7-8 किलोमीटर से अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर तक है, उसकी थिकनेस हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर की, शोभ मंडल की। वेदर फिनोमेना इसकी वजह से है, वाटर वेपर्स इसकी वजह से है, रेनफॉल हेल स्टॉर्म सब कुछ इसी लेयर की वजह से, क्लाइमेट चेंज डस्ट पार्टिकल्स इसी लेयर में ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, क्लाइमेट चेंज ट्रोपोस्फेयर की वजह से है। स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन्स उड़ाए जाते हैं, आपको बताया था प्लेन्स उड़ाने की जगह, हम कह रहे हैं ये प्लेन्स उड़ाने की जगह 16 से 50 किलोमीटर तक, 16 to 50 किलोमीटर तक प्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। उसके बाद आपको बताया था मीसोस्फेयर 80 किलोमीटर तक जाता है, थर्मोस्फेयर का पार्ट है आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर में आयन्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिससे रेडियो वेव्स वापस आती हैं अर्थ पे और रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद सबसे आखिरी लेयर आपको एग्जोस्फेयर बताई थी कि एग्जोस्फेयर आखिरी लेयर है, ये अर्थ की ही हम बात कर रहे हैं, अर्थ के आसपास जो एटमोस्फेयर है उसकी आखिरी लेयर एग्जोस्फेयर है, बहिर्मंडल है, जो बिल्कुल बाहरी मानी जा रही है। अभी रैप अप कर रहे हैं बच्चों, आगे बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर। थैंक यू सो मच। नाउ